यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर बस ये खाना पड़ा हुआ है। तुम्हारा बेस कहाँ पे है? ये आवाज कैसी है? वेट व्हाट भाई, ये तो फंसा के चला गया। फ्लैशबैक। यार फाइनली मैंने तो अपना बेस बना लिया, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बताओ यहाँ पे कहाँ मेरा बेस दिख रहा है? पता नहीं यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा भी नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो डर्ट ब्लॉक लगा है ना, इसी को हमें माइन करना और फिर इसका फोल्डिंग मिलेगी, और यहाँ से हम लोग जैसे ही नीचे जाएंगे मेरा बेस आ जाएगा। अभी मैंने इसे छोटा सा ही बनाया, बाद में इसे और बड़ा कर लेंगे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। चलो मेरा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ तुम्हारे सीक्रेट बेस कहाँ है? ठीक है, लेकिन पहले तुम अपना सारा आर्मर और अपनी स्वॉर्ड हटा दो और अपने सारे इन्वेंटरी का आइटम मुझे दे दो। चिंता मत करो, बाद में ले लेना वापस। तो जब बाद में दोगे तो अभी लेके क्या करोगे भाई? अरे प्राइवेसी प्रॉब्लम है यार, इसी नाते मैं भी अपना सब रख के तुम्हारे पास आया था। चलो कोई नहीं, ये ले लो सब। ये वाटर बकेट भी दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ, ये लो। अब चलो ले चलो मुझे अपने बेस तक। अरे ले ही तो चल रहा हूँ यार। अरे भाई कितना दूर है यार तुम्हारा बेस, हम लोग इतनी देर से चले ही जा रहे हैं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बस आ गया, अपने सामने देखोगे दिख जाएगा। ओ भाई ये क्या है, इतना ज्यादा ऊपर तुमने अपना बेस बनाया क्या? ये तो मेरे बेस जाने का रास्ता है, मैं एक बार ऊपर सब चेक करके आता हूँ। वैसे ये जगह काफी सही है, मतलब इतना प्यारा सा, यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल भी है, एकदम बढ़िया जगह बनाया यार इस बंदे ने अपना बेस। अब आ जाओ भाई। ठीक है रुको मैं आता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं इतनी हाइट पे आ गया हूँ कि मुझे यहाँ से नीचे का भी कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी जितना है उसका डबल जाना है भाई। मतलब आखिर इस बंदे ने बना के कहाँ रखा है अपना सीक्रेट बेस, और किससे इतना प्रोटेक्शन कर रहा है वो। ओके फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, एंड ये पे तो कुछ भी नहीं है। वहाँ थोड़ा सा खाना पड़ा है यार, मेरा गलती से गिर गया, प्लीज ले आओ। अरे ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ ना। वैसे यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा अजीब सा आ रहा है, मतलब एकदम हवा में है यार, लग रहा है आउटर स्पेस। व्हाट हेलो, ये क्या हो गया भाई? वेट, क्या वो सारी स्कैफोल्डिंग तोड़ दिया? अरे यार मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा फंसा, मेरे पास बस थोड़ा सा खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे फंसा के चला गया, और उसे लगता है मैं ऐसे स्केप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि हम कहीं से भी निकल सकते हैं। तो आई थिंक सो नीचे की तरफ हमने जो लेक देखी थी, मुझे वहाँ पर जंप लगा देना चाहिए बिना सोचे समझे। मतलब हमने यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी और खाना लेके आ सकता है। बस अगर हमने सही जगह जंप नहीं लगाई तो हमारा डेथ मैसेज उसके पास चला जाएगा, और वो जान जाएगा कि हम लोग एस्केप कर दिए हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। प्लीज 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 प्लीज। और यस यस भाई 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 बच गए यार, क्लोज वन था ये। भाई मैं भी धीरे धीरे प्रो होते जा रहा हूँ, मतलब उतने ऊपर से इतने एक्यूरेट पे जंप लगाना बहुत ही ज्यादा टफ बात थी। लेकिन अभी मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है और अपने लिए थोड़े मोड़े टूल्स बना लेने, ताकि अगर वो मेरे बेस पे हो तो मैं उसे लड़ सकूं। अभी मैं इस जगह से थोड़ा सा दूर जाके ट्रीज को काटूंगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पेड़ उसी ने उगाए हैं इतने कस्टम तरीके से। चलो मैंने अपना डिस्कॉर्ड म्यूट कर दिया, और साथ ही मैं अपने लिए टूल्स भी बना लिए हैं, बस थोड़ा खाना मिल जाए उसके बाद इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक मुझे एंडर पर्ल का तो जुगाड़ हो गया, क्योंकि एक तो हमारे पास रखना बहुत जरूरी है भाई, बस मैं एक बार बेस तक पहुंच जाऊँ ना, उसके बाद मेरे पास सामान की कमी नहीं है। एंडर पर्ल नहीं मिली तो क्या हुआ, हम लोग अपने लिए खाना तो पका सकते हैं। तो अभी मैं अपनी बेस की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक सीक्रेट चेस्ट में बहुत ढेर सारा सामान रखा था, बस वो उसके हाथ ना लगे। और अभी मैं छोटी मोटी फाइट के लिए पूरा प्रिपेयर हो गया हूँ, मेरे पास अच्छा खासा खाना है और ठीक ठाक इट साइड टूल्स तो है ही। एटलीस्ट चेक दिस आउट ड्यूड, मतलब यार मैं इतने राइट टाइम पे यहाँ पे आके छुपाना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये अभी हम लोग के बेस में छाना भी नहीं कर रहा है, ताकि इसे कोई मेरी सीक्रेट चेस्ट मिल जाए, लेकिन इसे पता नहीं हमारी चेस्ट ढूंढना मुश्किल है नामुमकिन है। बस मुझे ध्यान रखना है मैं क्राउच से ना उठूं, नहीं तो इसको मेरा नेम टैग दिख जाएगा, और शायद दिख गया। नहीं नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, मेरी आत्मा है बस। तुम चले जाओ भाई तुम जाओ। अरे ये तो सच्ची में चला गया, बहुत ही सही बचे हैं यार हम लोग। चलो कोई बात नहीं, इसे यहाँ से जाने दो, फिर मैं अपनी सीक्रेट चेस्ट निकालूंगा। और क्या भाई ये TNT क्यों लगा रहा है? नहीं 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 ये तो कुछ गलती करने वाला है भाई, डोंट से, ये मेरा पूरा बेस एक्सप्लोड करने वाला है। नहीं यार मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड और रुका तो ओके ओके फट गए सारे TNT। एंड एक क्रीपर हट यार, वो तो अच्छी बात ये है कि मुझे यहाँ पे सारे रास्ते पता है, तो मैं बहुत आराम से कहीं पे भी फंस के बाहर निकल जाऊंगा। तो अभी फाइनली मैं अपने केव के नीचे वाले बेस से बाहर निकल आया हूँ, एंड अब बस मुझे अपने बेस तक जाना है, ये देखते हुए कि ये मुझे रास्ते में ना मिल जाए। यार चेक दिस आउट, इसे ये स्मार्टी पाई भाई भी नहीं कर पाएंगे। चलो खैर अभी मैं अपने बेस तक बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से पहुंच गया हूँ, एंड यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, तो मैं अपनी सीक्रेट चेस्ट का यूज कर सकता हूँ। क्या हाल हो गया यार, ये मेरा इतना प्यारा सा छोटा सा घर था भाई, यहाँ नीचे की तरफ में ही मैं छुपा था, देख लो। अब टाइम आ चुका है अपने सीक्रेट चेस्ट को निकालने का और अपना रिवेंज स्टार्ट करने का। तो मैंने यहाँ पर अपने चेस्ट को रखा था, थोड़े से नीचे ब्लॉक टिक करने पे मिलेगा।
अब तो भाई मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरा पिटने वाला है। शाम हो गया था तो मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर एक छोटे से छेद में छुप जाते हैं ताकि उसे हमारी लोकेशन पता ना चले। भाई अभी मेरे फ्रेंड को पता चल गया कि हम लोग यहाँ से एस्केप कर लिए, बट दिक्कत की बात बस इतनी है कि अगर वो यहाँ से दूर कहीं चला गया तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले जल्दी से जल्दी उसका सीक्रेट वे ढूंढना पड़ेगा। तो जिस जगह उसने मुझे ट्रैप किया था वहाँ के कोऑर्डिनेट्स मुझे याद है, उसी के आसपास मैं ढूंढ रहा था तभी मुझे ये मिला। सामने की तरफ में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे किसी का नेम टैग शो हो रहा था, एंड यस ये और कोई नहीं मेरा भाई ही था। भाई ये बंदा ऑब्जीडियन से कुछ बना रहा है, एंड जहाँ तक मुझे पता है ऑब्जीडियन से बस नेदर पोर्टल ही बनता है। यार मुझे यहाँ से कुछ साफ नहीं दिख रहा, चलो इसके पास वाले पेड़ पे पर्ल मारते हैं, बट दिक्कत की बात ये है कि उसे शायद पता ना चल जाए। डर के आगे जीत है, चलो चलें। ओ भाई वो तो ढूंढ रहा है यार। नहीं, बस उसकी नजर इधर नहीं पड़नी चाहिए यार, वो तो पागलों की तरह ढूंढ रहा है कि पर्ल की आवाज कहाँ से आई। तो भाई अभी वेट करते करते सुबह से शाम हो गई, एंड आई थिंक सो वो अपने सीक्रेट बेस में ही रहेगा, तो मुझे अंदर जाना चाहिए। वैसे अगर पीवीपी का सीन होता भी है तो मैं रेडी हूँ एंड सब चीज है मेरे पास, चलो चलते देखते हैं क्या होता है। हेलो व्हाट, ओ भाई भाई ये क्या हो गया यार ये, वेट भाई मैं रुका हूँ यार, तू मारना नहीं मुझे यार, मैं रुक गया भाई। मेरे पास इंस्टेंट डैमेज वाला एरो है तो वो तुम्हें एक ही हिट में मार देगा, और साथ में तुम्हें माइनिंग फटीक लगा हुआ है तो तुम यहाँ से बाहर नहीं भाग पाओगे। और भाई इसने तो हमारा पोर्टल भी तोड़ दिया, और बगल में देखो दो दो डिस्पेंसर है इंस्टेंट डैमेज वाले। भाई इस बार तो और भी ज्यादा बुरा फंसे हैं यार, आखिर ये चाहता क्या है हमसे। अब भाई अरे अरे ठीक है मैं नहीं तोड़ रहा यार, ये तो सही कह रहा था, एक एरो इसका देखो मेरे 6-6 खाली है। नमन अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है तो चुपचाप अपनी सारी इन्वेंटरी ड्रॉप कर दो और कोई भी चालाकी मत करना। अभी यार जैसा मेरा फ्रेंड बोल रहा है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तो चलो मैं अपनी सारी आइटम को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। भाई मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं इसे अपना सारा सामान दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा एपिक प्लान बनाया हूँ, अगर वो काम कर गया तो मैं यहाँ से बाहर तो भाग जाऊंगा बट मेरे सामान रह जाएंगे। ठीक है यार मुझे सामान का उतना कुछ वो नहीं है, मैं यहाँ पे अंडर पर्ल भी ड्रॉप कर दिया हूँ, लेकिन इसे पता नहीं कि हमारे पास और भी है। नमन मैं अपनी बोत तान के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगर तुम बिल्कुल भी हिले तो मैं मार दूंगा। बस मुझे वेट करना है और आई थिंक तो यही सही समय मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और यस एस्केप, भाई ये तो रास्ता बंद है यार। मैंने बोला था कोई चालाकी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अब तुम्हारा तो गेम खत्म। अभी मैं भले ही मर रहा हूँ लेकिन मैं बदला लेने दोबारा जरूर आऊंगा।